और सर मुझे माफ करिएगा मगर आपका टोन जो है इज नॉट एक्सेप्ट. वी आर कलीग्स सर, यू मे बी सिटिंग ऑन द चेयर. नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमिता चौधरी. जगदीप धनखड़ से जया बच्चन की जिस तरीके से बहस हुई उसके बाद सदन से बाहर आकर उन्होंने माफी की मांग कर डाली. दूसरी तरफ सारा विपक्ष एकजुट हो गया और अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात करने लगा. लेकिन इन सबके बीच अब कहा यह जा रहा है कि जया बच्चन अपना इस तरीके का स्वभाव सदन में दिखाकर बुरी तरीके से फंस गई है. सिर्फ इतना कहने पर कि जया अमिताभ बच्चन और उनको बोलने की अनुमति मिली और उसके बाद का जो रिएक्शन था वो सबके सामने है. क्या थी ये पूरी कॉन्वर्सेशन, ये पूरा विवाद, ये आपने देखा होगा. इस वीडियो के लास्ट में एक बार फिर से आपको दिखा देंगे. लेकिन जया बच्चन इस पूरे मामले पर फंस कैसे गई है अब ये जान लीजिए. एक तो पूरा विपक्ष जो एकजुटता की बात कर रहा था वो अब तितर बितर होता हुआ नजर आ रहा है. और दूसरी तरफ जब ये खबर हमने आपको दिखाई तो उसमें लगभग 3000 के आसपास कमेंट्स आए और उसमें हर किसी ने जया बच्चन की किस तरीके से लताड़ लगा रखी थी वो मैं अब आपको दिखाने जा रही हूँ. एक एक यूजर का कमेंट आपको पढ़कर सुनाती हूँ. नरेश जैन ने लिखा, धनखड़ जी आज जया बच्चन को उसकी औकात दिखा दी, ये देखकर अमिताभ बच्चन जी भी बहुत प्रसन्न हुए होंगे. नेचर लविंग वुमेन नाम के यूजर ने लिखा, कितना कठिन काम होता है इतने सारे लोगों की बात सुनना और सब में एक अनुशासन बनाए रखना, धनखड़ जी. महेंद्र कुमार ने लिखा, जया बच्चन जरा चुनाव लड़कर दिखाएं, जीत नहीं सकती, इसको तमीज नहीं है, धक्का देकर बाहर निकाल दिया जाए. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा, धनखड़ साहब इनको सजा मिलनी चाहिए, ये परीक्षा पास होनी चाहिए राजनेता के लिए. एक और यूजर ने लिखा, जया बच्चन के इसी बर्ताव से इनके बेटे बहू की शादीशुदा जिंदगी बर्बादी की कगार पर है. एक और यूजर ने लिखा, ये अमिताभ बच्चन का दुर्भाग्य है जो इतनी बदतमीज औरत से शादी हुई. एक और यूजर ने लिखा, जया बच्चन की एक सांसद होते हुए क्या उपलब्धियां हैं, शायद जीरो. तो वही एक और यूजर ने लिखा, बाप रे बाप, ऐश्वर्या कैसे अब तक पागल नहीं हो गई, इसका तो घमंड ही नहीं खत्म हो गया अब तक. एक और यूजर ने लिखा, अमिताभ बच्चन ने इतनी मक्कार को कैसे सहा होगा अब तक. तो वही एक और यूजर ने लिखा, धनखड़ जी ने बहुत बढ़िया जवाब दिया, उनको धन्यवाद. एक और यूजर ने लिखा, जया बच्चन तो पहले से ही मक्कार थी, पता नहीं कैसे इसको अमिताभ बच्चन जैसे पति मिल गए. एक और यूजर ने लिखा, जया बच्चन हमेशा नाखुश और आक्रोश में रहती हैं, इसकी कलह की वजह से ऐश्वर्या ने घर छोड़ा है. एक और यूजर ने लिखा, कुछ साल और फिर इसका घमंड भी हॉस्पिटल के व्हीलचेयर पर बैठ के जाएगा, सब धरा रह जाएगा, मिट्टी में सबको मिलना है, कौन एक्टर फिर कौन नेता. तो देखा आपने किस तरीके से जया बच्चन को लगातार लोग ट्रोल कर रहे हैं, कोई उन्हें मक्कार बता रहा है, कोई बदतमीज औरत बता रहा है, कोई अमिताभ बच्चन पर तरस खा रहा है. आप बताइए इस खबर को लेकर और उनकी इस तरीके की ट्रोलिंग को लेकर आप क्या राय रखते हैं? मैं कलाकार हूं, बॉडी लैंग्वेज समझती हूं, एक्सप्रेशन समझती हूं. और सर मुझे माफ करिएगा मगर आपका टोन जो है is not accepted. We are colleagues, sir. You may be sitting on the chair. Jaya ji. And I remember when Jaya I went ji. to school. Jaya ji, take your seat. Jaya ji, take your seat. Take your seat. Take your seat. Take your seat. Jaya, one second, honorable members. Honorable members. Honorable members. No. Bethe. Honorable members. Bethe. Bethe. I know how to deal with it. Baithiye. Jaya ji, you have earned a great reputation. You have earned a great reputation. You know, an actor is subject to the director. You have not seen what I see from here. Every day, I don't want to repeat. I don't want schooling. I am a person who has gone out of the way. And you say, my tone? No, she's given to you. No, don't have floor now. No, enough of it. No, enough of it. You can't have it. You may be anybody. You may be a celebrity. You have to understand the decorum. No, nothing doing, nothing. No, not at all. I will not bear it. One second. Please sit down. Please take your seat. No. Never carry an impression that only you build reputations.
We come here to reputations. We live up to reputations.